केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भवन एक साल पहले भागलपुर की बरारी में बनकर लगभग तैयार है। केंद्र सरकार की ओर से अस्पताल में सभी उपकरण भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की जानी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं की गई, जिस कारण से यह हॉस्पिटल चालू नहीं हो सका है। अत्याधुनिक मशीनों से लैस हॉस्पिटल में सभी मशीनें धूल फांक रही है। अस्पताल को चालू करने की सभी डेडलाइन फेल हो चुकी है। एक बार फिर से दिसंबर से जनवरी माह तक अस्पताल में ओपीडी सेवा चालू करने की कवायद तेज हुई है। बता दें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरू हो जाने से भागलपुर ही नहीं बल्कि मुंगेर, बांका सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों को इलाज कराने में आसानी हो जाएगी। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज अस्पताल में मरीजों का दबाव भी कम हो जाएगा। वैसे मरीज जिन्हें बेहतर इलाज के लिए राजधानी दिल्ली और पटना रेफर किया जाता था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हो जाने से वैसे मरीजों का इलाज यहां संभव हो पाएगा। मैं आज रिव्यू बैठक कर रहा था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 6 विभागों का 6 से 7 विभागों का स्पेशली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं लगातार ये ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हमारा ये था। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में था इसको लग करके, और लगभग अभी तक 300 करोड़ की लागत से या हॉस्पिटल अन्य भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देना है, तो आज स्थिति ये है जिसमें 60-40 का था, केंद्र सरकार का 40% राज्य सरकार को देना था। दुर्भाग्य है कि आज तक बहुत सारी राशि 100% राशि जो राष्ट्र, मैंने 100% राशि केंद्र का बहुत पहले, साल भर पहले ही आपको मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो राशि भी नहीं मिली। और उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात, जो मैंने आज से 5 महीना पहले, उस समय यहाँ के डॉक्टर सुपरिटेंडेंट जो रिटायर कर गए, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं अगले 2 से 3 महीने में ओपीडी 2 विभाग का चालू करूँगा, एक न्यूरो का और दूसरा कार्डियो का, कार्डियोलॉजी का। लेकिन आज तक हॉस्पिटल में सारे मशीन, बड़े बड़े, मतलब जो आप कहते हैं MRI से लेके, सारे मशीन आ गए हैं, मशीन लगे भी हैं, धूल चाट रहा है। 99% भारत सरकार का 100% काम पूरा हो गया है, और काम पूरा आज नहीं बल्कि बिल्डिंग बन गया एक साल पहले। कोविड के कालखंड में भी मैं इसका रिव्यू कर करके और उसको बिल्डिंग को कुछ महीने बनते नहीं तो प्राय चालू होता रहा, और काफी विलंब हो गया है। आज तक मेडिकल कॉलेज के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यहाँ डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट, यहाँ 6-7 जो सुपर स्पेशलिटी उसके इंचार्ज बनाना, कोई तैयारी नहीं हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और ये पूरी तरह से कहा जाए कि सारी मशीनें करोड़ों रुपए की वो धूल चाट रही है, इतनी अव्यवस्था आज तक। मैं स्वयं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहा हूँ, आज प्रकृति का स्वास्थ्य देखता हूँ, इतनी अव्यवस्था, कुव्यवस्था देश के अंदर किसी राज्य की नहीं होगी। अभी तक सुपर स्पेशलिटी के जो हैंडओवर की प्रक्रिया है वो चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिसंबर तक शायद वो लोग हम लोगों को पूरा बिल्डिंग का हैंडओवर कर देंगे। सर, कौन कौन से विभाग को शुरू किया जाएगा? विभाग को शुरू करने के लिए जहाँ तक सवाल है, ये तो हमारे सरकार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से यहाँ पर स्पेशलिस्ट पोस्ट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग खोलेंगे। सर, क्या सुविधा, क्या 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 होगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी उसमें? उसमें कुल 7 बीमारियों के लिए वो खोला जा रहा है, है ना? जैसे हुआ न्यूरो सर्जरी हुआ, कार्डियोलॉजी हुआ, ट्रॉमा हुआ। ऐसे में होता था मायागंज अस्पताल में
मरीजों की संख्या बढ़ती थी, तो वहाँ बनने के बाद क्या लग रहा है कि घटेगी मरीजों की संख्या? नहीं, वो तो सुपर स्पेशलिटी विंग है कि अलग सा विंग ही रहेगा वो, तो यहाँ तो घटने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ से हम लोग कुछ केस को जो अवस्था के क्रम में जो बाहर जाते थे, ये जब पूर्णतः काम करने लगेगा तो वो लोग अब वहाँ जाकर अपना इलाज की सुविधा उठा पाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। दो हजार 24 का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो इसको लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता करने के लिए भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का आयोजन निर्वाचन सूची प्रेषक सह प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर प्रमंडल भागलपुर द्वारा किया गया। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ERO एवं AERO को कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने आगामी 2024 के चुनाव की कई रणनीतियों को और नियमों को बताया। किस तरह 2024 का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो इसको लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। वहीं मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ERO और AERO के कार्यकर्ताओं से भी उनकी राय ली गई। वहीं इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के तहत कोई मतदाता छूटे ना, मतदान को अपनी जिम्मेदारी समझे और मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाए, इस पर भी वार्ता की गई। साथ ही जो युवा 18 वर्ष के हो गए हैं उनका भी मतदाता कार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। इस बैठक में भागलपुर के कमिश्नर संजय कुमार सिंह के अलावा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SDM धनंजय कुमार के साथ साथ कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस बैठक में नए युवा वोटर को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है और जो 18 वर्ष की उम्र की हो गए हैं और जिनके पास अगर मतदान देने के लिए मतदाता कार्ड नहीं है तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हैं। वहीं इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिस महिला की शादी हो गई है और जिसका पता चेंज हो गया है उसे भी सही करा सकते हैं, और जिन वोटर की मृत्यु हो गई है मतदाता सूची से उनके नाम भी हटाए जाएंगे। साथ ही किसी तरह की परेशानी हो इसके लिए टोल फ्री नंबर भी लोगों के बीच जारी किया गया है जिसका नंबर है 1950। इस टोल फ्री नंबर पर मतदाता सूची में अपने नाम को जुड़वाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है 27 अक्टूबर को, और 1 माह की अवधि जो है व्यतीत हो गई है। 9 दिसंबर तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा। दावा आपत्ति का मतलब है कि जो भी नाम जुड़वाने या हटवाने की प्रक्रिया होती है, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना, तो वो 9 दिसंबर तक प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कैंप डे भी 2 और 3 दिसंबर को है, जिस दिन BLOs बूथ पर रहेंगे। और इसमें सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि आप लोग अभी भी अगर आपका नाम छूटा हुआ है, आपके आसपास के लोगों का नाम छूटा हुआ है, तो आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1950 1950, ये कार्यालय अवधि में कार्यरत रहता है। आपकी कोई भी शिकायत हो, नाम जोड़ने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ जानना समझना हो, तो आप उस पर सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो इसी संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा सभी ERO और AERO के साथ बैठक की गई, और जितने भी हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की गई, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए, उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में भी अवगत कराया गया। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जो महिलाएं शादी होकर के किसी दूसरे स्थान पर आ रही हैं और उनका निवास का पता अपने पिता के निवास स्थान का है, तो ऐसे मामलों में संबंधित BLO द्वारा नए निवास स्थान के पते की मांग की जा रही है।
तो ये उचित नहीं है। उसमें अगर उनके पति या ससुर का पता और वोटर आईडी कार्ड उनका अगर नाम है और वो लिख करके देते हैं, बीएलओ के जांच में पाया जाता है कि वो विवाह के बाद उस स्थान पर आकर के रह रही हैं अस्थायी रूप से, तो ऐसी महिलाओं का भी नाम जोड़ना है। तो इस तरह की सामान्य जो है कहीं भी किसी तरह की कोई इशू अगर हम लोग फील्ड में फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में भी चर्चा किया गया। आज कमिश्नर सर का विजिट भी था और आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि यंग वोटर्स जो भी हैं जिनका 18 साल 1 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है, वो लोग निश्चित रूप से अप्लाई करें। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बीएलओ को भी दे सकते हैं आवेदन, आप बीडीओ एसडीओ ऑफिस में भी दे सकते हैं। और ऑनलाइन तो सबसे आसान तरीका है, इमीडिएटली आपका आवेदन जो है अगले एक माह में स्वीकृत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनका 18 साल अगले साल 2024 में अप्रैल और अक्टूबर को भी पूरा हो रहा है, वो भी अभी आवेदन दे सकते हैं। जब समय आएगा तो उस समय जब वो 18 के हो जाएंगे तो उस समय उनका भी आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा। साथ ही जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम हटाने का दायित्व परिवार के सदस्यों का है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म 7 भर सकते हैं आक्षेप करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र या जो संबंधित दस्तावेज है वो लगा करके। तो ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो वो भी हटवाने का दायित्व परिवार का है, तो वो भी आवेदन करें। सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि चुनाव से पहले स्पेशल समरी रिवीजन है, अगर आपके परिवार के सदस्य का नाम छूटा हुआ है तो निश्चित रूप से आप जो है अपना आवेदन दे करके ऑनलाइन या ऑफलाइन नाम जुड़वा लें। ये हम लोगों की लगातार अपील भी है और आज की मीटिंग में इस पर चर्चा भी। कार्तिक पूर्णिमा पर आज तड़के सुबह से ही भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी पवित्र गंगा घाट में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसको लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन और एसडीएफ की टीम भी काफी चुस्त व मुस्तैद दिखी। भागलपुर की खिरनी घाट, पुल घाट, नीलकंठ घाट, पिपली धाम घाट, बूढ़ानाथ घाट, सकिचंद घाट के अलावे सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा और कहलगांव के बटेश्वर में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किए। वहीं कुछ महिला श्रद्धालुओं ने उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर से हमारी मनोकामना है कि उत्तरकाशी में फंसे हुए सभी मजदूर स्वस्थ बाहर निकले। हिंदू मान्यता में कार्तिक पूर्णिमा का काफी पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसे हम देव दीपावली भी कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने दुनिया को जल प्रलय से बचाने के लिए इस महीने मछली रूप में अपना पहला अवतार लिया था। हाँ, गंगा स्नान करने के लिए आए थे। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का महत्व है, इसलिए आज हम लोग आए हुए हैं। और कहा जाता है कि ये देव दीपावली भी है और हम लोग अपने परिवार और परिवार के कुशल कामनाओं के लिए आज दीपदान करके भगवान से प्रार्थना किए कि हमारे परिवार को खुश रहे। हाँ, बहुत बड़ा महत्व है कार्तिक पूर्णिमा को, बहुत बड़ा महत्व है। क्या करते हैं? हम लोग गंगा स्नान करते हैं, स्नान करके दीप दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं गंगा में दीप दान। हाँ, दीप दान करके पुण्य मतलब दीप दान करके और अति करते हैं, स्नान करके दीप दान करके उसके बाद में फिर दान पुण्य भी किया जाता है उस दिन। नई पेंशन स्कीम के विरोध में तथा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गोप गुट के बैनर तले समाहरणालय गेट से सैकड़ों कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। कर्मचारियों की मांग है कि नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम को चालू किया जाए, क्योंकि 2003 के बाद जितने भी लोग सरकारी सेवा में आए हैं उन सभी को नई पेंशन स्कीम के तहत बहुत मामूली पेंशन राशि मिलती है, जिससे इन लोगों को परिवार चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी 10 दिसंबर से पटना की संजय गांधी स्टेडियम में सभा करेंगे। इन लोगों का कहना है कि यदि पुरानी पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया था तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन लोगों को परेशानी हो सकती है। कल हम लोग एनपीएस के विरोध में, न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सरकार को हम लोग यह एक तरीके से चेतावनी देने जा रहे हैं कि 10 दिसंबर को जो पटना में मानवाधिकार रैली है उसके लिए यह एक चेतावनी है। हम लोग एनपीएस का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसमें कोई भी पेंशन की गारंटी नहीं है। सभी कर्मचारी नाखुश हैं, नाराज हैं और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ हैं जिसके लिए हम लोग दिन प्रतिदिन मेहनत करके लगे रहते हैं लोगों को पहुँचाने में, सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। सरकार हमारे बार बार अनुरोध पर विचार नहीं कर रही है। हम लोगों ने 1 अक्टूबर को दिल्ली में भी महारैली की थी जिसमें 10 लाख कर्मचारी जुटे थे। हम लोग बार बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन लागू करें, इससे राज्य को भी लाभ है,
मैं बता दूं आपको कि अभी बिहार सरकार 3,000 करोड़ रुपए एनपीएस के नाम पे केंद्र सरकार की कंपनी पीएफआरडीए को दे रही है, जिससे राज्य का भी नुकसान हो रहा है और कर्मचारियों का भी नुकसान हो रहा है। एनपीएस से केवल और केवल नुकसान है, ये धोखा है, इसमें फ़ायदा नहीं है। सरकारी कर्मचारी बहुत तनाव में है, परेशानी में है। यदि राज्य सरकार केंद्रीय और केंद्र सरकार पेंशन को लागू नहीं करती ओल्ड पेंशन को, तो आगामी चुनाव में उनको परिणाम देखने पड़ जाएंगे।